श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल सही स्वस्थ होंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही खास उपाय लेके आई हूँ। आप जैसे कि किसी बच्चे की शादी नहीं होती घर में या रुक जाती है या कुंडली में कोई दोष है या नारी दोष है और बृहस्पति या तो कमज़ोर है या रिश्ते बहुत आते हैं, आपको पसंद भी आते हैं लेकिन वो रिश्ता हाथ से निकल जाता है, बिल्कुल भी वो रिश्ता नहीं बन पाता, कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाती है जिसके कारण वश बस आपकी उम्र निकलती चली जाती है और आपके रिश्ते बन नहीं पाते, संजोग बन नहीं पाता और हर किसी की बात सुननी पड़ती है कि बच्चा बड़ा हो गया या लड़की बड़ी हो गई या लड़का बड़ा हो गया, उसके बावजूद भी कोई शादी का रिश्ता क्यों नहीं आ रहा है या क्यों नहीं शादी हो पा रही है। अगर इस तरीके की अड़चन आपकी भी शादी में आ रही है तो आप शीघ्र विवाह के लिए ये आप इस उपाय को कर सकते हैं। मासिक जो आपकी शिवरात्रि का टाइम आता है, महीने में हर महीने में दो शिवरात्रि का टाइम आता है, ये त्रयोदशी वाले दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। तो आपने करना क्या होता है कि आप एक हल्दी का टुकड़ा लें, हल्दी एक साबुत ले लें और अगर आपके रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं तब आप किसी भी शिव मंदिर में जाइए और जाके एक लोटा जल ले लें और एक हल्दी का टुकड़ा लेके आप शिव भगवान पर चढ़ा दें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अगर इस तरीके का अगर मासिक में हर महीने की जो दो शिवरात्रि आती है आपने ये कर भी दिया तो आप शिवरात्रि इस उपाय को कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रदोष काल वाले दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर जो भी आपकी अड़चन आ रही है विवाह में, अब वो अड़चन एकदम दूर हो जाएगी, आपका मन चाहा रिश्ता आने लगेगा। यदि आप किसी को सच्चे दिल से मन से प्यार करते हैं और एकदम ही आपका मतलब लव मैरिज आप करना चाहते हैं या फैमिली नहीं मान रही या आपका मतलब कोई अड़चन आ रही है या दिक्कत आ जाती है शादी में, तब आपने करना क्या है, शमी पत्र लेना है। शमी पत्र आप प्रदोष काल के दिन लें और उस पर शहद मिला लें। शहद मिलाने के बाद आप जब किसी भी शिव मंदिर में जाइए पास के और जाके आपने शिव भगवान को शिवलिंग पर आपने पूरा वहाँ पे मतलब शिव भगवान को नहा के स्नान करा के और उसके बाद आप जो शमी पत्र लेके गए हैं, शमी पत्र 11 या 21 के हिसाब से ले लें, उसके बाद आपने शहद उसमें मिला लेना है एक कटोरी में रख कर और मिलाने के बाद आप एक एक करके शमी पत्र शिव भगवान के ऊपर शिवलिंग पर आपने चिपका देना है, उनका श्रृंगार कर देना है। श्रृंगार करते हुए आपने मंत्र बोलना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस तरीके से आपने मंत्र का उच्चारण करना है। उसके बाद आप भोलेनाथ बाबा को अपनी सारी समस्या कहते हुए प्रार्थना करते हुए जिससे भी आप प्यार करते हैं आपका रिश्ता वो आ जाएगा और एकदम ही आपकी शादी जो नहीं हो पा रही थी वो शादी का विचार बन जाएगा और शादी आपकी होने लगेगी। तो इस तरीके का अपने जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं वो बच्चे आप जाके शिव भगवान पर वो 5 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा देना है। ऐसा चढ़ा के एक लोटा जल चढ़ा दें और अपनी मनोकामना करते हुए कि आपका जो रिश्ता नहीं बन पा रहा एकदम आप देखेंगे कि रिश्ता आना शुरू हो गया, आपका प्रेम विवाह हो जाएगा, शीघ्र विवाह के संजोग बनने शुरू हो जाएंगे। जो भी आपकी कुंडली में
दोष था, नारी दोष था, या आपका बृहस्पति कमजोर था जिसके कारण वश आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, या शादी में कोई भी अड़चन आ रही थी और रिश्ते नहीं सही मिल पा रहे थे, एकदम ही वो रिश्ते आने लगेंगे। आपके जो भी शादी में अड़चन आ रही थी वो एकदम अड़चन आनी शुरू हो जाएगी। तो आपने वो बेलपत्र जाके शिवलिंग पर चढ़ा देना है। और अगर आपके रिश्ते बहुत आते हैं और फिर भी नहीं शादी बन पाती, या बहुत ज़्यादा कोई अड़चन आती है, कोई दिक्कत आती है, या कोई ऐसी परेशानी है जिसके कारणवश आपको पता नहीं चल रहा कि शनि दोष है आपकी कुंडली में, या आपका बृहस्पति कमज़ोर है, या कोई शादी का रिश्ता नहीं आता, आप किसी को प्रेम करते हैं और उसके बावजूद भी रिश्ता नहीं बन पा रहा, या उससे भी नहीं बन पा रहा, या रिश्ता आता है और उसके बावजूद भी नहीं हो पा रहा, तो फिर आपने करना क्या है कि आप अष्टगंध ले लें। अष्टगंध के अंदर लाल रंग का चंदन मिला लें, लाल चंदन मिलाने, और लाल चंदन की एक लकड़ी आती है वो आप मिलाइए लाल चंदन, और उसको घिस के मिला के, और उसके बावजूद आप वहाँ पर मतलब किसी भी शिव मंदिर में जाइए जहाँ पे शिव भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, वहाँ से जहाँ से जल बहने लग जाता है वहाँ पे अशोक सुंदरी माता का स्थान है, वहाँ पे वो अष्टगंध में लाल चंदन मिलाया हुआ आपने वहाँ पर सात बिंदी लगा देनी है। सात बिंदी लगाने से उसके बाद और वहाँ पर इत्र साथ में चढ़ा दें, और थोड़ा सा एक बेलपत्र के ऊपर शहद लगा कर चढ़ा दें। ऐसा उपाय करने से एकदम ही अशोक सुंदरी का आपके ऊपर, अशोक सुंदरी माता का आशीर्वाद रहेगा और आपका शीघ्र विवाह होने लगेगा। जो भी अड़चन आ रही थी वो अड़चन कट जाएगी, और जो भी शरीर पे बाधा होगी, जैसे कि कभी कोई होता है कि आपके आस पड़ोस में ही होता है और कोई रिश्ते आते रहते हैं और उसके बाद उनकी ऐसी नज़र हाई लग जाती है और एकदम आपके रिश्ते आने बंद हो जाते हैं, तो इस तरीके की कोई भी अड़चन परेशानी है या शरीर में कोई बाधा है तो ये उपाय करके वो अड़चन को दूर करें और अपने संयोग शीघ्र विवाह के बनाएं। और ये उपाय प्रदोष काल के या शिवरात्रि पर जरूर करें। तो ऐसा करने से आपकी जिंदगी और जीवन में बहुत सा बदलाव आएगा, और साथ ही साथ महादेव की और माँ गौरी की और उसके सुंदरी माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, और आपकी शादी तुरंत ही हो जाएगी। जल्द से जल्द आपका रिश्ता आएगा, जिससे आप चाहते होंगे उसी से आपका शादी का संयोग बन जाएगा। तो ये उपाय कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर देना। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे फिर मिलती एक नई खास उपाय के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप भी कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना।